हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। वीडियो का भाग नंबर 16 बनाया जा रहा है। लेसन 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 6 जो आपका लेसन 6 है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। आज के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। और गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आने वाली 3 या 4 वीडियो, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है, और मैं बताना चाहूँगा आने वाले हर एक वीडियो में एक लेसन पूरा एंड करेंगे। अगर आपके दिमाग में या माइंड में चल रहा है कि भाई हम एकदम मतलब तेज़ी से पढ़ाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा, तो अपने दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए। कुछ पॉइंट बताऊँगा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, बस उन्हीं को याद रखोगे, हर एक टॉपिक को याद कर पाओगे। आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी, पूरी मेमोरी वाला चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम छोटे चैप्टर पर इसलिए कमांड कर रहे हैं ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो न छूटे अगर पेपर में आ जाए। बचेंगे सिर्फ 2 लेसन आपके जो बड़े टाइप के रहेंगे, उनको भी हम जल्द से जल्द एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो छोटे वाले लेसन है समाप्त करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के वीडियो एंड तक देखनी है और इस वीडियो को अपने कॉलेज में स्टूडेंट का शेयर करना है। दोस्तों, इतना धांसू नोट्स वगैरह लेकर आता हूँ ना कि पूरा समझो यार, माइंड हिला देगा आपका। चलो आज की वीडियो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। तो वेलकम है आप सभी का स्टडी पावर पॉइंट में, लेसन 6 सेमीकंडक्टर मेमोरी। इतनी शीर्षक हम लिखते हैं, शीर्षक का मतलब समझ लो सिलेबस हम यहाँ लिखते हैं। हर चीज़ में पढ़ने से पहले हम सिलेबस लिखते हैं, इसलिए ताकि हमें पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे, साथ में रैम रोम के पढ़ने के बाद ईपी रोम पढ़ेंगे, फिर डबल ईपी रोम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका स्टैटिक एंड डायनामिक रैम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरिट एंड डीमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ मेमोरीज के पढ़ेंगे। यही तीन टॉपिक्स हमको पढ़नी है इसमें पूरी। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेमोरी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी या तो स्टोरेज मेमोरी बोलते हैं। अब हम पहले सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी मेमोरी की पूरी हिस्से को जान लेते हैं, फिर सेकेंडरी पे आएंगे। सिर्फ आपको प्राइमरी पढ़ना है, सेकेंडरी नहीं, तो इसका ध्यान रहे। जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है 2 प्रकार का होता है, एक रीड या राइट बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ध्यान रहे, रीड या राइट एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। या तो आप इसको रीड और राइट मत समझिए, आप रैंडम एक्सेस वाला ही समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब देखिए, जो आपके रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, वो 2 प्रकार का होता है, एक इरेजिबल मेमोरी, दूसरा परमानेंट मेमोरी। अब देखिए, जो परमानेंट, अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो इरेजिबल होता है वो 3 होता है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश, और जो परमानेंट होता है वो मास्क्ड रोम, पी रोम होता है। अब देखिए, हमने बताया कि रीड जो मेमोरी है, रीड मतलब रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 2 प्रकार की, एक स्टैटिक रैम, ठीक है, 0 पावर या नॉन वोल्टेज रैम, और दूसरा डायनामिक, ठीक है, डायनामिक रैम। तो ये 2 चीज़ें गाइस हो जाती है आपकी मेमोरी। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको सेकेंडरी, लेकिन जानना तो नहीं है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है 2 प्रकार की, स्टोरेज मेमोरी, एक सेमी रैंडम एक्सेस, दूसरा सीरियल एक्सेस। जो सेमी रैंडम एक्सेस होते हैं उसमें डिस्क आते हैं, और डिस्क के अंतर्गत फ्लॉसफी, हार्ड डिस्क एंड सीडी रोम आते हैं, और सीरियल एक्सेस के अंतर्गत मैग्नेटिक टेप आते हैं। वो ये रही बातें गाइस मेमोरी की। अब इसके अंदर चलते हैं और एक एक टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर मेमोरी भौतिक उपकरण होती है जो सूचनाओं को संग्रहित करने में सक्षम होता है, तथा सेमीकंडक्टर का यह बनता है। तो कितनी आसान परिभाषा रही भाई, देख सकते हो, उदाहरण के लिए रैम और रोम ले सकते हो। चलिए अब जानते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक रैम, दूसरा रोम। रैम को जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, या रीड या राइट मेमोरी बोलते भी हैं। रोम को रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इस मेमोरी की, यानी इस मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, न कि रैम और रोम की बात हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा, पूरी की बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी की। इन मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग करते हैं या किया जाता है। इन मेमोरी की गति इतनी तीव्र होनी चाहिए कि यह माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूट गति से मैच कर सके, ठीक है ना, अर्थात रैंडम एक्सेस कर सकती है, ठीक है, कुछ भी एक्सेस कर सकती है उतने ही समय में, चाहे भाई वो पहले मतलब पहला उसमें कई सेल होते हैं, चाहे पहले सेल में हो चाहे कोई भी सेल में, उसे रैंडम एक्सेस कर तुरंत उतने समय में बताती है। अब अगला है,
अगला आपका इसमें क्या आपको जानने हैं, अगला आपका गाइस ये है कि रैम क्या होता है, ठीक है। रैम जिसको कि और नाम से भी जानते हैं रीड या राइट मेमोरी के नाम से, रैम सेमीकंडक्टर मेमोरी में सूचना स्टोर करने के लिए अनेक सेल बनाए जाते हैं। प्रत्येक सेल सूचना का एक बिट स्टोर करता है। चिप पर किसी भी सेल तक पहुंचने के लिए समान उदाहरण की माध्यम, जो अभी हमने बताया वही चीज, समान उदाहरण जैसे यदि, ठीक है, यदि किसी मेमोरी में, यदि यहाँ पे किसी कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी, यदि किसी मेमोरी में 16384 सेल हैं, तब एक या 16384 सेल तक एक्सेस करने में माइक्रो प्रोसेसर समान समय लेता है। इस प्रकार एक्सेस करना कौन सा कहलाता है, रैंडम एक्सेस कहलाता है। यानी भाई एक सेल में चाहे सूचना रखिए उसको बताना है, चाहे 16000 सेल मतलब उसमें सेल हैं या बहुत सारे सेल हैं उसमें से बताना है, समय उतना ही लगेगा, ठीक है। अब चलिए एक फिगर है इसको समझ लीजिए, इस तरह के फिगर है, यहाँ पर रीड दिखाया गया या राइट दिखाया गया, रीड दिखाया गया, एंड गेट है, आउटपुट है, इनपुट है, इस तरह से बना लेना है, ठीक है, आईएस है आपका। अब देखिए थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम द्वारा व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में रैम का बहुत ही व्यापक रूप से यूज हो रहा है, ठीक है, इन मेमोरी के सेल में, ठीक है, इन मेमोरी के जो इस मेमोरियाँ होती हैं आपकी, इसमें सेल में क्या होता है, सूचनाएँ लिखी होती हैं, इन सेलों की सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, इन सेल से सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं रैम की। रैम मतलब, रैम दो प्रकार का होता है, हालांकि रैम के बारे में हमने बता दिया, और इस समय देख सकते हो कि जब मोबाइल खरीदने जाते हैं भाई कितने जीबी वाला रैम वाला मोबाइल चाहिए, 2 GB वाला, 4 GB वाला, 6 GB वाला, 8 GB वाला, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम जो होता है फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है, स्टैटिक रैम जो होता है फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। इसमें बिट वोल्टेज के रूप में स्थिर होती है, ठीक है, इसमें जो बिट होती है वोल्टेज के रूप में स्थिर। अभी देखिए फ्लिप फ्लॉप आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको बता देंगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ठीक है। इसमें बिट वोल्टेज के रूप में स्टोर होती है। रैम, स्टैटिक रैम का मुख्य लक्षण यह है कि इसके सेल में सूचना एक बिट लिखे जाने के बाद यह तब तक उस बिट को स्टोर करता है यानी सुरक्षित रखता है जब तक कि उस पर कोई अन्य बिट ना रखा जाए या लिखा जाए, ठीक है। या तो दूसरी कंडीशन हो सकती है, जो हमारा चिप है, चिप की पावर है, उसको सप्लाई को बंद ना किया जाए, अगर बंद कर देंगे तो भी हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा अगला टॉपिक हमारा आता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होता है इसको समझिए। डायनामिक रैम मॉस ट्रांजिस्टर गेट द्वारा बनता है। डायनामिक रैम का मुख्य अभिलक्षण इसमें इंफॉर्मेशन को एक कैपेसिटर के फॉर्म, कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कैपेसिटर की भांति चार्ज के रूप में स्टोर रहती है। सामान्यतः जो डी रैम होते हैं सामान्य क्षेत्र में एसपी रैम की तुलना में 4 गुनी सूचनाएं स्टोर कर सकते हैं, जो एसपी रैम होते हैं, ठीक है। डी रैम में सूचनाएं कैपेसिटर पर आवेश के रूप में स्टोर होती है, अतः स्टोर की गई सूचना को सुरक्षित करने के लिए कुछ मिलीसेकंड के पश्चात मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, अतिरिक्त परिपथों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण डायनामिक रैम का माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग स्टैटिक रैम के साथ इंटरफेसिंग से अधिक जटिल हो जाता है। बड़ा मेमोरी क्षमता वाले सिस्टम ही डायनामिक रैम का प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हो डायनामिक रैम कितना इंपॉर्टेंट था और कितने अमेजिंग तरीके से हमने बता दिया। अब चलिए हम जान लेते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में, इसके इतिहास को देखते हैं क्या है इसके बारे में जानकारी। रोम एक पूर्व नियोजित प्रोग्रामेबल चिप होती है, पहले से मतलब बनी हुई, मतलब उसमें डाटा वगैरह इस मेमोरी का सिर्फ रीड करने की यूज करते हैं, ठीक है। तथा यह मतलब पूर्व नियोजित चिप होती है, मतलब क्या पहले से प्रोग्राम की होती है, जो बनाता है वो प्रोग्राम कर देते हैं, ठीक है। तथा माइक्रो प्रोसेसर इसको केवल पढ़ सकता है। इस प्रकार रोम में एक बार सूचनाएं रिकॉर्ड होने के पश्चात केवल उसे रीड करने के लिए यानी पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है, रीड ओनली मेमोरी का, ठीक है, जिसे रोम के नाम से जानते हैं आप जैसे, ठीक है। अब देखिए रोम क्या होता है, रोम में सूचनाएं समानांतर मेमोरी के निर्माता द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। यह एक नॉन वर्टिकल स्टोरेज की गई इंफॉर्मेशन, ठीक है, यह नॉन वर्टिकल मेमोरी है। पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी इसमें स्टोर इंफॉर्मेशन बनी रहती है। रोम में किसमें हम बात कर रहे हैं, रोम में सिर्फ ऐसा होता है कि उसकी सूचनाएं बनी रहती हैं। अब हम जानते हैं कि रोम जो होता है दो प्रकार, एक तो इरेजिबल, दूसरा परमानेंट। अब हम इरेजिबल परमानेंट में जानने से पहले हम जानेंगे, देखिए इरेजिबल दो प्रकार का, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम सबसे पहले, पी रोम जानेंगे, फिर ईपी रोम, फिर डबल ईपी रोम, फिर मास्क के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले चलिए हम पीरोम के बारे में जान लेते हैं। पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक नाम याद करोगे सब याद होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम की जाने वाली रोम को पीरोम कहते हैं। ठीक है, इसे हम केवल एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम किए जाने के पश्चात यह सामान्य रोम की भांति व्यवहार करती है। इस मेमोरी में नाइक्रोम अथवा पॉलीसिलिकॉन के तार एक मैट्रिक्स के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक, जिन्हें डायोड या फ्यूज माना जा सकता है। फ्लक्स का जलना या न जलना, ठीक है, जो हमारा फ्लक्स फ्यूज होगा, फ्लक्स नहीं फ्यूज, फ्यूज का जलना या न जलना यह निश्चित करता है कि सेल में एक स्टोर है अथवा 01। इस क्रिया में बर्निंग द पीरोम कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग द पीरोम कहते हैं। इसके पश्चात डाटा अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो एक खासियत रही पीरोम की। चलिए अब हम दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरे का कहने का मतलब क्या, ईपीरोम क्या होता है। सब कुछ चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो जरूर से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। वह रोम जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज द्वारा इरेज करते हैं तथा पुनः प्रोग्राम किया जाता है उसे ईपीरोम कहते हैं। ईपीरोम को इरेज करने के लिए चिप को परिपथ से बाहर निकालते हैं तथा इसमें बनी क्वार्टर विंडो से कुछ समय तक अल्ट्रा वायलेट किरणें डाली जाती हैं। इरेज करते समय अल्ट्रावायलेट प्रकाश की तीव्रता एवं प्रकाश में रखे जाने की अवधि के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे इंटेल 27256 ईपी रोम को 15 से 20 मिनट में इरेज किया जा सकता है। यदि इसे 15 वाट सेकेंड प्रति सेमी स्पार की तीव्रता से अल्ट्रावायलेट रेज में रखें तो ईपी रोम अनेक बार प्रयोग किया जाती है। अतः ठीक है, इसलिए ईपी रोम अनेक बार प्रयोग करते हैं। अतः यह प्रयोगात्मक कार्य, रिसर्च कार्य, उद्योग में, प्रोडक्शन में आदि में व्यापक रूप से हो रहा है आपके ईपी रोम का। अब हम जान लेते हैं डबल ईपी रोम क्या होता है। डबल ईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी फंक्शन की दृष्टि से ईपी रोम के समान ही है, लेकिन ईपी रोम का मुख्य, ठीक है, ईपी रोम में मुख्य दोष यह है कि इसे इरेज करने के लिए उसे सामान्य परिपथ से क्या करना होता है गाइस, सामान्य परिपथ से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है या होती है। ठीक है, डबल ईपी रोम को उसके ऑपरेशन के सामान्य परिपथ से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसे इसके सामान्य कार्य करते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा देकर, यानी क्लॉक पल्स बोलते हैं जिसका नाम है, ठीक है, तो क्लॉक पल्स हम यहाँ से क्या करते हैं, दे करके, यहाँ देखिएगा कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे करके इरेज या प्रोग्राम कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में सॉफ्टवेयर को प्रायः अपडेट किया जाता है। यदि सिस्टम में डबल ईपी रोम प्रयोग की जाए तब उसे किसी सेंट्रल कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन कर किसी रिमोट लिंक से इरेज या प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रोसेसर कंट्रोलिंग सिस्टम में पैरामीटर सिग्नल देकर अपडेट की जाती है। आपका किसका बात हुई, डबल ईपी रोम की। अब हम जानते हैं फ्लैश मेमोरी क्या होता है, और शायद ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक हो, तो फ्लैश मेमोरी जान लेते हैं। देखिए, यह डबल ईपी रोम के ही समान होती है। जो आपका फ्लैश होता है डबल ईपी रोम के समान ही होती है। फ्लैश तथा डबल ईपी रोम में यही अंतर है, यही मुख्य अंतर होता है कि अर्थिंग मेथड है। ठीक है, ईपी फ्लैश और ईपी रोम के मुख्य अंतर अर्थिंग मेथड है। ठीक है, इरेजिंग, ध्यान दीजिएगा, सॉरी गाइस, अर्थिंग नहीं, इरेजिंग की बात की जा रही है। मुख्य अंतर इरेजिंग मेथड है। डबल ईपी रोम में उसके किसी भी रजिस्टर को इरेज किया जा सकता है, जबकि फ्लैश मेमोरी में पूर्णते मतलब जिसको इरेज करना है पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित सिस्टम जो होगा उसके बारे में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित सिस्टम में प्रोग्राम समांतर रोम में लिखे जाते हैं तथा डाटा जो प्रायः परिवर्तित होता रहता है आर डब्ल्यू मेमोरी में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित रेलवे टिकट बुकिंग, विभिन्न रेलों के मध्य दूरियां ETC से संबंधित होता है आर रोम में अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं आपके डेटा। अब चलिए देखते हैं मेमोरी के अभिलक्षण, और यही आपका लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाता है। मेमोरी के अभिलक्षण, मेमोरी की क्षमता तथा उसकी संरचना। दूसरा टाइमिंग अभिलक्षण, ठीक है,
और तीसरा है शक्ति व्यय तथा बस लोडिंग, ठीक है, मेमोरी का आकार एवं पैकेज का स्वरूप, मूल्य, विश्वसनीयता, उत्पन्न। इस तरीके से मेमोरी के बारे में आपको नॉलेज दी गई, यार सब कुछ समझ में आया, देख सकते हो लगभग 15 मिनट की वीडियो बनी और हमने पूरी मेमोरी एंड कर दी। इसी तरीके से दो तीन और चैप्टर हैं जो छोटे छोटे हैं, उसको मैं एंड करूंगा सबसे पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर तो बनता ही, इस वीडियो को अपने कॉलेज में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आए सीखें और अपने नॉलेज को पावरफुल बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मुलाकात होगी आप अगले वीडियो में, बाय बाय।